फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल हेल्थ मेडिसिन। तो आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं लोमोटिल टैबलेट के रिव्यू देने जा रहा हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको इसके विषय में समस्त जानकारियाँ प्राप्त हो सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल पर सबसे पहले आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाली घंटी भी दबाएँ जिससे आपको ये नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं, सो लेट अस फ्रेंड अब इसके यूजेस के विषय में बात कर लेते हैं कि लोमोटिल टैबलेट किन किन समस्याओं में हमें प्रयोग करना चाहिए। तो लोमोटिल टैबलेट जो होता है हमें लूज मोशन के लिए प्रयोग करना चाहिए। लूज मोशन जैसे हमें लैट्रिन होने लगता है, दिन में कई बार होने लगते हैं, पतले दस्त होने लगते हैं, उसके लिए हम लोमोटिल टैबलेट यूज कर सकते हैं। एक टैबलेट सुबह और शाम खा लेंगे जिससे हमें रिस्पांस बहुत ही अच्छी होगी, जिससे हमारे लूज मोशन जो होते हैं वो बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों अब आइए लोमोटिल टैबलेट हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करता है इसके विषय में जान लेते हैं। तो लोमोटिल टैबलेट जो हमारे अंदर जाता है मुंह के माध्यम से और पेट में जाता है और जो ये हमारे लैट्रिन जो होते हैं उनको रोक देता है, उनको फिर दोबारा नहीं होने देता है, उसको बांध देता है जिससे हमें लैट्रिन न हो और जो हमें पतले दस्त होते हैं उसको मोटा कर देता है। तो दोस्तों अब लोमोटिल किन औषधियों से निर्मित हुआ है इसके विषय में जान लेते हैं। तो लोमोटिल टैबलेट आप देख रहे हैं दोस्तों इसमें मिला हुआ है एट्रोपिन सल्फेट टैबलेट और ये डिफॉक्सिलेट हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट से मिलकर बना हुआ है, जो 2.5 mg मिला हुआ है, 0.25 mg मिला हुआ है, जो जिससे मिलकर बना हुआ ये लोमोटिल अच्छा मेडिसिन माना जाता है। तो दोस्तों अब लोमोटिल टैबलेट के कुछ साइड इफेक्ट के विषय में भी बात कर लेते हैं। तो लोमोटिल टैबलेट के कुछ साइड इफेक्ट, जैसे इसको खाने से आपको नींद लग सकता है दोस्तों, बस इसके साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम लोमोटिल टैबलेट के यूजेस के कुछ सावधानियों पर भी चर्चा कर लेते हैं। इसके यूजेस के कुछ सावधानियां दोस्तों इस प्रकार के हैं, जैसे हम इसको खाते हैं तो हमारे लैट्रिन जो होती है वह रुक जाती है और फिर हमको दोबारा डल्कोलेक्स टैबलेट जैसे टैबलेट खाने पड़ते हैं जिससे हमें दोबारा लैट्रिन होना चालू शुरू हो। जैसे मतलब इसको टैबलेट से आप खा लिए, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में आपने खा लिया, जैसे एक टैबलेट सुबह दोपहर शाम ऐसे ज़्यादा मात्रा में खा लिया, दो टैबलेट खा लिया, तो जो लैट्रिन आपको हो रही है दस्त, पतली दस्त जो हो रही है तो अब बंद जाएगी, मतलब आपको दोबारा लैट्रिन नहीं हो पाएगी, ऐसा टैबलेट का साइड इफेक्ट है। तो और कुछ सावधानियाँ जो बरतनी पड़ती हैं दोस्तों, ऐसे सावधानियाँ कि इसके साथ जो आप मेडिसिन पहले से ले रहे हैं उस मेडिसिन को नहीं लेना चाहिए आपको, ये मेडिसिन लेते समय इसके साथ गैस की दवा यूज करनी चाहिए। तो अब हम दोस्तों इसके डोजेस के विषय में चर्चा कर लेते हैं कि इस प्रोडक्ट को हमको कैसे यूज करना चाहिए। जैसे हमने पहले ही बताया इस टैबलेट को यूज करने के लिए आपको एक टैबलेट सुबह और शाम यूज करना चाहिए। तो दोस्तों बस ऐसे ही आपको इस टैबलेट को यूज करना चाहिए। जैसे बच्चों जो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चे हैं उनको भी ये आप टैबलेट यूज करवा सकते हैं दोस्तों। उनके लिए आप आधी गोली टैबलेट दे सकते हैं और बड़े लोगों को एक टैबलेट दे सकते हैं। तो दोस्तों अब हम इसके बात कर लेते हैं कि यह किस मेडिसिन किस कंपनी के द्वारा बना हुआ ये मेडिसिन है जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी मानी जाती है। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ये रेस लाइफ साइंस लिमिटेड के द्वारा बनाया गया ये मेडिसिन जो है दोस्तों। इससे इस कंपनी की ज़्यादा मेडिसिन नहीं आती है लेकिन कुछ मेडिसिन आती हैं दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। तो दोस्तों आपने हमारी इस वीडियो को देखा लास्ट तक, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।